अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और ना सिर्फ मज़े कर रहे होंगे बल्कि सबको करा भी रहे होंगे। तो दुआ है मेरी कि आप लोग हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। आमीन सुम्मा आमीन। बस आज हो गया है एम्ब्रॉयडरी का मूड, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर की जाए कि मैं आज एम्ब्रॉयडरी में क्या कर रही हूँ। तो बहुत सिंपल सी है और बहुत डिसेंट सी भी है, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा कुछ सीक्वेंस वर्क्स नहीं यूज़ किए और बिल्कुल प्लेन मतलब किया है। तो आप भी इजीली बना सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी थ्रेड वर्क जानते हैं तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ये फ्लावर्स मैंने फैब्रिक पे प्रिंट नहीं करवाए बल्कि अपने हैंड से ही ड्रॉ किए हैं, और अगर आप भी थोड़ा फाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मैंने इक्वल साइज़ नहीं रखे, स्मॉल और बिग डिफरेंट डिफरेंट साइज़ इनको दिए हैं, तो थोड़ा सा डिज़ाइन इसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए ताकि। तो अगर आप भी इस तरह से फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं तो आप फैब्रिक पर पेंसिल के थ्रू कर लीजिए, और अगर फिर उसके बाद आपको फाइन करना है तो आप उसको पेन से कर लीजिए। तो इस तरह आपको प्रिंट करवाने की झंझट भी बच जाती है और आपको थोड़ा सा डिफरेंट और यूनिक डिज़ाइन बन जाता है। ये स्टिच बहुत सिंपल है और लेफ़्ट साइड मैंने थ्रेड रखा है और साथ ही साथ मैं निडल इसको डालती जा रही हूँ नीचे से। तो ये इसको कांच स्टिच भी कहते हैं और बहुत सिंपल है और इजीली आप बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आप इसको वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, स्लो मूवमेंट पे कर लीजिए, तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से। और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप किसी रफ़ फैब्रिक पे ड्रॉ करके उसको फर्स्ट टाइम आप उसको फ्लावर की उस पर प्रैक्टिस कीजिए। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आपके अच्छा सा नीट डिज़ाइन बने तो फिर आप उसको अपने किसी भी ड्रेस पर या दुपट्टे पर या स्लीव्स पर, जहाँ पे भी आप ड्रॉ करके बनाना चाह रहे हैं, कोई और प्रोजेक्ट है आपका तो आप उस पर भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इसको बनाइए, डायरेक्टली आप फैब्रिक पर इसको ड्रॉ मत कीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ये बहुत आसानी से बन जाने वाले फ्लावर्स हैं, बहुत अच्छे लगते हैं एम्ब्रॉयडरी। अगर आपने थोड़ा सा भी, अगर बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी ना कीजिए, अगर सिंपल से भी अगर आप स्लीव्स पे बना लेते हैं और साथ ही साथ आप हल्के से नेक पे बना लेते हैं तो बहुत अच्छा सा डिज़ाइन लगेगा आपका। और अगर एम्ब्रॉयडरी के हवाले से आपको कुछ और पूछना है या फिर कुछ सीखना है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसकी वीडियो बनाऊँगी। वैसे तो आजकल लोगों के पास बहुत बिजी रूटीन है तो वो फैब्रिक्स को बाय करना पसंद करते हैं, लेकिन सम टाइम ये होता है कि अगर आप कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहे होते हैं तो फिर अगर आपके पास थोड़ा सा भी वक्त है तो आप उसको डेली बेसिस पे थोड़ा सा टाइम लगा कर इसको बनाइए, बहुत अच्छा सा लगता है। और मैं तो सब टाइम ऐसा भी करती हूँ कि ड्रेस स्टिच होने के बाद भी उसको कर लेती हूँ। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सिंबू भी आपको अल्लाह हाफिज़ कह रहा है, अल्लाह हाफिज़।